हेलो माय डेयर स्टूडेंट्स टुडे आई एम डिलीवरिंग योर लेसन वन हाउ डैडी वाज़ ऑलवेज लेट सो लेट्स स्टार्ट व्हेन डैडी वाज़ लिटिल जब जो डैडी है वो छोटे थे ही वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन वो भी स्कूल जाया करते थे दूसरे बच्चों की तरह ऑल द अदर चिल्ड्रन केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग और जो दूसरे बच्चे थे बेटा वो बेल होने से पहले ही स्कूल पहुंच जाते थे बट लिटिल डैडी ऑलवेज रीज स्कूल लेट फॉर सम रीज़न और द अदर लेकिन जो डैडी थे वो हमेशा लेट पहुंचते थे किसी ना किसी कारण की वजह से या दूसरे किसी वजह से डैडीज पेरेंट्स कुड नॉट डू आ थिंग अबाउट एट डैदी के जो पेरेंट्स थे वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे एवरी इवनिंग हर शाम को द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इट्स यही कहानी रोज हुआ करती थी रोज शाम को हैव यू डन योर होमवर्क ग्रैंड माँ वुद आस्क ग्रैंड माँ यानी दादी पूछती थी क्या तुमने अपना काम कर चुके हो वेट अ सेकेंड लिटिल डैडी वुड आंसर जो छोटे डैडी थे वो जवाब देते थे वेट अ सेकेंड एक मिनट रुको स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली ग्रैंड ग्रैंड पा से ग्रैंड पा ने कहा यानी दादाजी ने कहा कि तुम इस रीडिंग को बंद करो और अपना होमवर्क करना तुरंत शुरू करो जल्दी से जस्ट वन मोर पेज वन मोर पेज केवल एक और पेज लिटिल डैडी वुड से छोटे डैडी ने कहा कि एक और पेज पढ़ना है मुझे लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट द न्यू वन लिटिल डैडी ने उस पेज को फिनिश किया और फिर से एक नया पेज जो है वो शुरू कर दिया ही जस्ट पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक वो इस इंटरेस्टिंग बुक को रखना नहीं चाहता था तुरंत टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसन जस्ट वन मोर पेज उस डल लेसन को बे जो लगता है कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उस काम को शुरू करने के लिए वो उस बुक को रखना नहीं चाहता था जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से फिर से उसने यही कहा कि एक और पेज पढ़ने दो पुट डैट बुक डाउन वेट आ सेकंड उसने कहा इस बुक को नीचे रखो उसने कहा इंतज़ार करो एक मिनट पुट डैट बुक डाउन वेट अ सेकेंड सेम ये चीज़ रिपीट हुई फाइनली ग्रैंड पा ने क्या किया एंड ग्रैंड मा ने वुड लूज देअर पेशेंस उनका जो पेशेंस है धैर्य है वो ख़त्म हो गया दे वुड मैच लिटिल डैरी बुक फ्रॉम हिम उन्होंने उसे स्नैच स्नैच होता है छीनना वो बुक छीन ली किसने छीन ली बता दादा ने और दादी जी ने वो बुक छीन ली यू विल एंड अप लेजी गुड फॉर नथिंग दे रिटर्न उन्होंने कहा इसे ख़त्म करो इस आलस को अच्छे के लिए उन्होंने उसे डराया देन लिटिल डैडी फील ऑफेंडेड उसे बहुत फील हुआ बहुत बुरा लगा शर्मिंदगी महसूस हुई ही वुड begin टू वीप एंड डिमांड हिज़ बुक वो रोना शुरू कर दिया उसने और अपनी बुक मांगने लगा ही said दैट ही वुड नॉट स्टार्ट हिज़ होमवर्क until दे gave इट बैक टू हिम उसने कहा मैं ये काम शुरू नहीं करूँगा अपना होमवर्क जब तक आप मुझे मेरी बुक वापस नहीं दोगे एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे ऐसे ही शाम जो है वो निकल गई वन लिटिल डैडी फाइनली सेट डाउन टू डू हिज़ होमवर्क जब उस जो लिटिल डैदी है फाइनली अपने होमवर्क को करने के लिए बैठे ही हैड फॉल अ स्लिप अब वो सो चुका था ही डिड हीज़ होमवर्क इन अ डेज़ उसने अपने काम को ख़त्म किया और अपने काम को पूरा करके अचंभे में डाल दिया यानी एक सिचुएशन ऐसी थी जो उसने कंफ्यूज स्टेज स्टेज जो होती है बेटा ठीक है कि किस तरह से उसने अपना होमवर्क पूरा किया बाय द टाइम ही वॉज थ्रू एट वुड रियली रियली बी लेट अब उस समय तक वो रियल में लेट हो चुका था ग्रैंड पा एंड ग्रैंड माँ वुड बी एग्जॉस्टेड वो भी थक चुके थे ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ जो है वो भी थक चुके थे इन द मॉर्निंग इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी और अगली सुबह जो थी वो एक अलग कहानी थी गैटअप ग्रैंड मा वुड से माँ ने कहा उठो वेट अ सेकंड एक मिनट रुको लिटिल डैडी वुड ममल ममल मतलब होता है बेटा धीरे से बड़बड़ाना गैटअप ग्रैंड मा वुड शाउट अब ग्रैंड मा चिल्लाई खड़े हो जाओ गैटअप उठ जाओ वेट अ सेकेंड यू आर लेट तुम दे तुम्हें लेट हो रहा है तुम लेट हो एवरी वन नोज़ हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू बैड लेट द नाइट बिफोर ये वो बताना चाह रहा है कि हर व्यक्ति जानता है कि जब आप रात को बेड पे सोने के लिए लेट जाते हो बहुत देर से लेटते हो तो अगली सुबह जो है उठना कितना मुश्किल होता है यू हैव ऑल योर स्वीटेस्ट ड्रीम्स इन द मॉर्निंग जो अच्छे मीठे सपने होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं इस्पेशली इफ यू हैव नो यू हैव टू गो टू स्कूल इस्पेशली तब जब तुम्हें स्कूल जाना हो टाइम मास्ड स्टेडली ऑन वाइल लिटिल डैडी स्ट्रेस्ड एंड यॉन टाइम जो है बहुत तेज़ी से निकल रहा है जबकि जो लिटिल डैडी है वो अभी अपनी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं उबासियाँ ले रहे हैं फुल्ड हिज क्लोज अपने कपड़ों को खींच रहे हैं स्लीपली वॉस्ड नींदों में नहा रहे हैं दोस्त थ्रू हिज ब्रेकफास्ट और नाश्ता कर रहे हैं एंड फाइनली मैनेज टू गेट हिज बुक्स और फाइनली लास्ट में वो अपनी किताबों को मैनेज कर रहे हैं टुगेदर एक साथ देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल और तब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं और इस्कूल के लिए दौड़ते हैं सिंस लिटिल डैडी डिड इज होमवर्क एट द लास्ट मिनट जैसा कि लिटिल डैडी ने अपने होमवर्क को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर किया लास्ट मिनट पर किया ही नेवर डिड इट वेल तो ये कभी भी ठीक से नहीं होता था सिंस ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर इस्कूल और इसी लिए वो हमेशा इस्कूल के लिए लेट होते थे ही ऑफ़ एंड मिस द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट जब टीचर पढ़ाते हैं उनके इस्पेशली न्यू सब्जेक्ट को एक्सप्लिनेशन को वो हमेशा मिस कर देता है दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम और ये उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है समझने के लिए वॉट द रेस्ट ऑफ क्लास वॉज डूइंग कि आखिर बची हुई जो क्लास के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कर रही हूँ जब हम कभी भी अपने होमवर्क को लेट करते हैं तो हम उस काम को लेट करने की वजह से बाकी जो क्लास मिस रह जाती है उसमें बाकी बच्चे आगे बढ़ जाते हैं वो क्या कर रहे हैं ये फिर कन्फ्यूजन सी रह जाती है उस स्टूडेंट के लिए जो अपने काम को हमेशा लेट करता है ओके लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल इज़ लाइफ लिटिल डैडी जो है वो हमेशा अपनी लाइफ में लेट रहे ही वॉज लेट फॉर स्कूल हमेशा स्कूल के लिए लेट रहते थे लेट फॉर कॉलेज कॉलेज के लिए भी लेट हुए लेट फॉर वर्क हर काम के लिए लेट होते थे ही लॉस्ड आउट ऑन मैनी थिंग्स उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खो दी थी इन लाइफ अपने जीवन में बिकॉज ऑफ दिस ऑफुल हैबिट इस जो ये ऑफुल हैबिट है डरावनी हैबिट है गलत हैबिट है इसकी वजह से हिज फ्रेंड्स लव टू टेल फनी स्टोरीज और उसके जो दोस्त हैं वो इस इसकी कहानियाँ बना बना के मजाक उड़ाते हैं अबाउट हिज बींग लेट उसके लेट होने वाली जो कहानियाँ हैं उन पर इवन नाउ डैडी डेंट नो हाउ टू वॉक अभी तक डैडी को ये भी नहीं पता है कि चलना कैसे है स्लोली धीरे कैसे चलना है ही इज़ ऑलवेज इन अ हरी वो हमेशा जल्दी में रहते हैं बिकॉज ही इज़ यूज टू बींग लेट क्योंकि वो हमेशा लेट रहते हैं हमेशा अपने काम को देर से करते हैं और भाग भाग के करते हैं इसलिए उन्हें ये नहीं पता अभी तक कि धीरे कैसे चलना होता है ओके बेटा आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी थैंक यू बाय बाय हैव अ गुड डे